अपने पैसे ले लिए उन लोगों से? ना तुझे कितनी दफा मना करा है कि ऐसे मुंह उठा के ना आ जाया कर, ये मेरी ग्राहकी का टाइम है, मेरी ग्राहकी खराब होती है। ओए हमने कौन सा कभी तेरे ग्राहकों को तंग किया है? तुम्हारी शक्ल देख के तो दीवारों पर बैठे कौवे भी उड़ जाते। और शुक्र है मुझे देखकर तोते नहीं ना भागी। अच्छा अच्छा फजूल बकवास ना कर, अब ये बता आया क्यों है? खर्चा पानी खत्म हो गया था, मैंने कहा जाके जरा ले आऊं। अभी दो दिन पहले ही तो लेके गया ये। ये ले और सुन, मेरे धंधे के टाइम ना आया कर, मेरा धंधा खराब होता है। इतना तो हम कमाते नहीं जितना ये खा जाते, तो क्यों देती हो? इनको हड्डी ना डालें तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा? अमूमन ये वो लोग होते हैं जिनको कोई ना कोई बैकिंग होती है। ऐसे नहीं होता है कि जी आप इतना बड़ा काम बिजनेस स्टार्ट कर दें और कोई ना कोई किसी चीज़ की बैकिंग ना हो। इनको ये डर नहीं होता कि ये पकड़े जाएंगे। अगर पकड़े जाने और सज़ा का डर होगा तो दूसरे को नुकसान पहुँचने का भी डर होगा। पुलिस के मुताबिक रेड़ी गोट में मंशियात की बढ़ती हुई लानत की इत्तला पुलिस के आला अफसरान को भी थी। वो दोनों पुलिस को एक तवील अरसे से मतलूब थी, मगर इसके बावजूद वो पुलिस के लिए छलावा बनी हुई थी। सुकन थाने की पुलिस ने इलाके में मुखबिरों का जाल फैला दिया, मगर नतीजा कुछ ना निकला। सुकन थाने के SHO ने अपने मातहतों को बुलाकर इस मसले को हल करने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। पहले तो कभी कभी शिकायतें मौसूल होती थी, अब तो हर तरफ से शिकायतों का अंबार लग गया है। हमारे गोट में क्या मुंशियात फरोशों का कारोबार बढ़ता जा रहा है और एक तुम लोगों, तुमसे मुजरिम ट्रेस नहीं हो रहे? ऐसी बात नहीं है सर, हमें जहाँ इतला मिलती है हम रेड करते हैं, मुजरिम पकड़े भी जा रहे हैं। अभी कल ही की बात है, दो औरतें पकड़ी गई हैं। ये सब मोरे हैं मोरे, मुझे असल जड़ चाहिए। और दो औरतें पकड़ी भी थी तो उनसे क्या हासिल हुआ? सर तफ्तीश के दौरान उन औरतों ने बताया कोई मीना नाम की सप्लायर है सर। मीना मीना मीना, ये मीना जिन है या भूत? आखिर औरत है ना सर। मैंने उसके घर पर रेड की थी, वहाँ ताला लगा हुआ था। हो सकता है ताला बाहर से लगा हो। नहीं सर, मेरे सिपाही ने झांक के देखा था, अंदर बिल्कुल खाली था। इमरान कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नतीजा आएगा। सर मैंने मुखबरों का जाल बिछा दिया है। सर मीना बहुत चालाक होशियार औरत है, हर बार धोखा देके फरार हो जाती। शट अप, मीना चालाक औरत है, होशियार औरत है, हम लोग क्या नाहन है? क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ हबीब खान, जल्दी बता क्या बात है, मैं इस वक्त बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ। सर पहले कभी कोई गैर ज़रूरी बात की है? हाँ बोल क्या बात है। सर मीना जो मंशियात के सिलसिले में वांटेड है, मैंने उसे ट्रेस कर लिया है। ठीक है हम आ रहे हैं, तुम उसका पीछा करो। ठीक है सर। फोन अपना ऑन रखो, अगर वो लोकेशन चेंज करती तो मुझे फ़ौरन खबर दो, मैं पहुँचता हूँ। मोबाइल तैयार करो जल्दी फटाफट क्विक। आज मीना हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, फौरन तैयार हो चलो। साइड में पोजीशन लेकर करो, दरवाजा बंद करो। कौन है देख? वो फाखरा हो तो दरवाजा खुला, कोई और हो तो भगा देना। फाखरा ही होगी, और किसने आना है? तेरे जैसे बहुत कम ले आते हैं इसको। देखो पूरे घर की तलाशी लो, चारों तरफ देखो, तुम उस कमरे में देखो, देखो
घर की तलाशी लो। तुम करते कि नीचे देखो, अच्छी तरह तलाशी लो, अच्छी तरह एक एक चीज को छानो। क्या है इसमें? ओ बुढ़िया, कबाड़ में देखो, कबाड़ में तो नहीं है कुछ माल। सर, ओ बहुत माल है, सब सब करो और देखो नीचे इनके पास हो, सब सब थाली में डालो माल, और देखो इसमें देखो और लेके चलो, चलो गाड़ी में डालो इनको। चलो 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 चलो। मीना के मुताबिक उसकी शौहर के वफात के बाद उसके पास दो ही रास्ते थे, या वो बदकारी करके अपने आप को बेचती या मंशियात फरोशी का कारोबार करती। क्योंकि मीना का शौहर मंशियात फरोशी का काम करता था, लिहाजा वो उस काम से वाकिफ थी और उसने मंशियात फरोशी के कारोबार को ही चुन लिया। जबकि पुलिस के मुताबिक फाकरा और मीना आदि मंशियात फरोश है। मीना चार बच्चों की माँ और फाकरा आवारा और एक बदचलन लड़की है। ये दोनों 12-13 साल से मंशियात का कारोबार कर रहे हैं और पहली मर्तबा पुलिस के हाथ लगे हैं। बहुत सारे लोग ये आते हैं जो ये कहते हैं कि चर्स तो ड्रग नहीं है, उससे एडिक्शन तो नहीं होती। शराब में वो कहते हैं बियर तो शराब नहीं है, उससे एडिक्शन नहीं होती। नाशऊरी वाली बात है। एज ए डॉक्टर मैं उनको समझाता हूँ कि बेटा जाओ और पढ़ो। लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट ये भी आता है मेरे पास जो कहते हैं कि हमारे माँ बाप भी तो कर रहे होते हैं और वो हमारे सामने ही कर रहे होते हैं। उनको माँ बाप को मैं कहता हूँ कि कुछ खौफ करें, अपने आप की ज़िंदगी तो ख़राब की, अपने बच्चों की ज़िंदगी ना ख़राब करें। अगर बच्चे में प्रॉब्लम डेवलप हो रही है उनका इलाज कराएं। ये कोई बहुत फ़ख्र की बात नहीं है कि आपका बेटा सिगरेट पीने लगा है या आपकी बेटी सिगरेट पीने लगी है। जो चीज़ नुकसानदेह है वो नुकसानदेह है, आप अगर आंखें फेर देंगे तो उससे वो चीज़ सही नहीं हो जाएगी। कल रो रही थी बुढ़िया एक लाश के सिराने, बेटा जो मर गया है उसे लौटा दे कोई, हिरसो हविस की खातिर दुनिया ना उजाड़े कोई, न खार बोए फूलों को ना नोचे कोई, जर के पुजारी हैं ये मौत के सौदागर, ये जहर बेचते हैं इन्हें हीरा चटा दे कोई।